प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग सेंस और कपड़ों की चर्चा होती रहती है, लेकिन उनके एक सूट ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। सूट इसलिए खास था क्योंकि इस पर सुनहरे तारों से नरेंद्र मोदी लिखा था, जो दूर से स्ट्राइप की तरह दिख रहा था। इस सूट की नीलामी हुई और सूरत के हीरे कारोबारी लालजी भाई पटेल ने इसे 4.31 करोड़ रुपये में खरीदा। मोदी के इस सूट के बाद अब चर्चा एक जैकेट की है, जिसे मोदी ने नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहना है। नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में कांग्रेसी नेता राज्य में हैं। वो चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए शिलोंग में थे। नीली डेनिम जीन्स और ब्लैक जैकेट पहने राहुल इस इवेंट में युवाओं से मिलते बात करते दिखे। भाजपा मेघालय ने यह तस्वीर ट्वीट की और साथ ही ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी, जिसमें उससे मेल खाती जैकेट देखी जा सकती है। भाजपा ने तस्वीर के साथ लिखा है, क्यों राहुल गांधी जी सूट बूट की सरकार खुले भ्रष्टाचार से मेघालय के सरकारी खजाना साफ कर रहे हैं। हमारे तकलीफों पर गीत गाने के बजाय आप मेघालय की अपनी निकम्मी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते तो अच्छा रहता। आपका ये दोहरा चेहरा हमारा मजाक उड़ा रहा है। इस पोस्ट में राहुल की तस्वीर के साथ जो जैकेट की फ़ोटो पोस्ट की गई है, उसमें ऊपर की तरफ बर्बेरी लिखा है, साथ में लिखा है हाई हार्ट ले टू इन विन जैकेट टू इन वन जैकेट और दाम लिखे हैं $995। अगर डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट 64 मान लिया जाए तो रुपए में ये जैकेट 63,000 से ज़्यादा की बैठती है। अब बात बराबरी की है। बर्बरी एक ब्रिटिश लग्जरी फैशन हाउस है जिसका मुख्यालय लंदन में है। इस फैशन हाउस को ट्रेंच कोट, रेडी टू वियर आउटवियर, फैशन एक्सेसरीज, फ्रेगनेंस और कॉस्मेटिक के लिए जाना जाता है। इस जैकेट की तस्वीर वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा करने लगे। स्वास्तिक बंटा हैंडल से लिखा गया है, राहुल गांधी के अच्छे दिन आए, फटे कुर्ते से सीधा 63,000 की जैकेट तक। श्रीकांत ने नोटबंदी के दौर में राहुल गांधी के बैंक की लाइन में खड़ी हुई तस्वीर और जैकेट का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, फटे हुए कुर्ते से लेकर सिर्फ 4,000 रुपये के लिए बैंक की लाइन में खड़ा होना और अब 65,000 रुपये की जैकेट। लेकिन दूसरे लोग इस चर्चा पर भी सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि महंगी जैकेट की नकल स्थानीय बाजारों में मिलती है और उनके दाम भी काफ़ी कम होते हैं। सुभाष पई ने लिखा है, ऐसा लगता है कई लोग राहुल गांधी की जैकेट पहनने का इंतजार ही कर रहे थे ताकि उन पर पलटवार किया जा सके। कांग्रेस पिछले 15 साल से मेघालय में राज कर रही है। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। इस दिन नागालैंड में भी मतदान है, मतगणना 3 मार्च को होनी है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।